बहनों और भाइयों, सबसे पहले राजकीय दलों का संगठन बनता है और संगठन फिर पार्लियामेंट्री दल को बनाता है। हमारा इरादा भी वही था, परंतु जिस ढंग से इस देश में एक इमरजेंसी ला दी गई और हजारों लोगों को बंद कर दिए गए हमारे दलों के, और फिर जिस जल्दबाजी से चुनाव जाहिर कर दिया गया और उसका कार्यक्रम तय हो गया, इससे हम संगठन बनाने के लिए समर्थ नहीं बने, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहा। इसीलिए हमने पहले पार्लियामेंट्री पार्टी बनाई, जो चुनाव के लिए निहायत जरूरी था, मगर तभी ही हमने वादा किया था कि ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे और जनता के सामने हम पेश करेंगे। वो वादा हम एक महीने में ही पूरा कर सके हैं, इसकी हमें खुशी है, और इसके लिए भी मुझे जनता को धन्यवाद देना है कि उनके समर्थन से ही हम ये कर सके हैं। कई विरोधी लोग कहते थे कि ये बनने वाला है नहीं, ये तो टूट जाएगा, लेकिन आपने देखा कि जनता पार्टी ने को आपने राज भी सौंपा और उन्होंने बनाया, और संगठन बराबर आज से एक बन गया। सब दल शामिल होने वाले इसमें शामिल हो गए और उन दलों की हस्ती अलग मिट गई। यही आप आज बराबर देख चुके हैं, और हमारा वादा पूरा कर सके इसकी मुझे खुशी है। संगठन की अब सदस्यता होगी, बनेगी, वो काम अब जोरों से चालू हो जाएगा, और कुछ महीनों के भीतर सदस्यता बना देंगे। मुझे विश्वास है कि लाखों की तादाद में जनता इस पार्टी के सदस्य बनेगी, तब इसका बराबर पूरी तौर से चुनाव होगा लोकतांत्रिक ढंग से, जिसके लिए ये पार्टी बनी है। इसके लिए कुछ 8-9 महीने कम से कम चाहिए, मगर तब तक संगठन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने रहे वो तो अच्छा है ही नहीं। दोनों बाजू से एक तो काम का बोझा भी नहीं उठा सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा भी असूलन संगठन के अध्यक्ष बराबर अलग स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे संगठन की ओर से पार्लियामेंट्री काम जो हो रहा है इसके निगरानी भी बराबर होती रहे और उनका काम ठीक चले, इसके लिए जनता की मदद भी होती रहे और जनता की बात भी उनको कहते रहे। तो अध्यक्ष भी श्री चंद्रशेखर जी होंगे। आप